हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ। ये व्लॉग जो लास्ट व्लॉग था ना, उसी से कंटिन्यू था, बट वो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने आपसे उसी टाइम पे कहा था कि आगे का है बट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस पूजा वूजा होने के बाद, दोज वगैरह सब करने के बाद कपड़े धोए थे, तो बस उन्हीं को मैं अब सुखा रही हूँ। कुछों को साइड में रखते जा रहे थे बट अब सारे सुखाने हैं। तो थोड़े बहुत मशीन चल भी रही है, जो लास्ट में नहाए हैं उनके कपड़े धुल भी रहे हैं और सूख भी रहे हैं। चाहे कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, भैया कपड़े धोना और कपड़ों का काम, खाने का काम, ये तो किसी भी हालात में हम लोग मतलब कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये तो हर घर में होता ही होता है, तो क्योंकि सब चीज़ कर लेंगे बट एक एक करके ये सब काम करने होते हैं। और ये वाली मम्मी की साड़ी है और ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने दी है मम्मी को साड़ी, ये वाली तो मम्मी पे काफ़ी अच्छी लग रही थी। मम्मी ने पहनी थी ये साड़ी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो अगर आपने, आई होप आपने वो व्लॉग देखा होगा जिसमें मम्मी ने ये साड़ी पहनी थी। इसमें ना नीचे सिर्फ लीफ बनी हुई है, लीफ पैटर्न है, बहुत अच्छी लगती है साड़ी ये वाली। तो यहाँ पे मैंने सारी जितने भी अब दिवाली पे पहने थे और मतलब पहनी थी ना साड़ियाँ, वो सब धो रही हूँ। तो कपड़े काफ़ी सारे हैं, तो बस इन्हीं को चलो धो के हम सूख जाएंगे। धूप अच्छी निकली हुई है और अंदर का काम मम्मी देख रही हैं। वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है काम, पर थोड़ा बहुत जो भी रहता है वो मम्मी देख रही हैं। पापा धूप में बैठे हैं और मैं यहाँ पे अपना काम करने लग रही हूँ, क्योंकि कपड़ों का ख़त्म हो जाएगा ना तो बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाता है। मशीन वगैरह उठ जाती है, क्लियर हो जाता है मामला, कपड़े भी सूख जाते हैं, तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसी कारण आप लोगों को भी बाहर का व्यू देखने को मिल जाता है, मैं काम भी कर लेती हूँ, आपको बाहर का व्यू भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि घर घर में ही व्लॉगिंग करते रहते हैं हम। तो अब मैं आपको बहुत देर बाद मिल रही हूँ और खाना पीना खा लिया था मैंने। देखो कान के भी निकाल दिए, बहुत ज़्यादा ना दर्द कर रही थी, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा उसमें वज़न था। और यहाँ पर खाना पीना खा लिया था हमने और उसके बाद मैं सो गई थी सच में। और अभी मतलब पूरी साफ़ सफाई करके, कपड़ों की तह लगा के, देखिए इतने सारे रखे हैं यहाँ पे, साड़ी तय कर दी है, मम्मी ने अपने कपड़े अपने में रख लिए हैं और अभी अभी बनाए हैं पकोड़े। तो ये बने हैं पकोड़े हरी प्याज के, जो हरी प्याज आती है ना उसके पकोड़े बने हैं। रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं लगी हुई थी क्लीनिंग में और बस फिर मम्मी बना रही थी। अभी बस बर्तन वगैरह क्लीन करके और अब मैं खाने आई हूँ। सबने खा चुके हैं, चाय लेके आई हूँ साथ में। 6 बजने का टाइम हो गया है। दोपहर में खाना इसी की आलू प्याज की सब्जी और क्या बनाया था, बथुए का रायता और रोटी बनाई थी, बहुत टेस्टी खाना था। अभी तक भरा भरा लग रहा है इसीलिए थोड़े से पकौड़े लाई हूँ, बस वही खाऊँगी, बस इतना ही करूँगी। तो चलो खाना खा लेती हूँ और आपको ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताना कैसा रहा, और आपको मेरी साड़ी कैसी लगी ये ज़रूर बताना। सच में बहुत टाइम बाद पहनी, मेरी फेवरेट साड़ी थी ये, बट है ना अभी काफ़ी पुरानी हो गई है। पुरानी मीन्स बहुत जगह पहन ली है, बहुत बार पहन ली है, पर मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है रियल में। और पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं पर पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हो रही है ज़्यादा खाने की। तो चलिए इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, और फिर मिलूँगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप सभी को दोबारा से कहती हूँ हैप्पी दोज, भाई दोज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं बहनों के, वो भाइयों को, सभी को, और बढ़िया से अपने त्यौहार मनाएं। और अब तो वैसे भी सारे त्यौहार ख़त्म हो गए, तो चलिए जैसा भी रहा सबके अच्छे त्यौहार गए होंगे, सब रहा हंसी खुशी, सब कुछ हो जाए ना तो सब कुछ अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। और पकोड़े खाएंगे हरी चटनी के साथ, यमी यमी ना, चलो बाय बाय। तनी तनी महक अपना घाघरा संभालो बेटा, नहीं तनी तनी बेटा ऐसे ना करो, धीरे धीरे हाथ रखो बस, तनी रुको।
तो मैंने व्लॉग तो एंड कर दिया था, बट रात में ना हम सब पटाखे जला रहे थे दो वाले दिन, क्योंकि बच्चे जाते हैं सबके, तो फिर बच्चे भी जिद कर रहे थे, तो मैंने वो सब भी शूट किया था, इसीलिए मैंने ऐड किया आपके साथ ये सब। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं भी आप लोग भी ऐसे करते होंगे ना, लास्ट तक दो दिन तीन दिन तक पटाखे जलते ही रहते हैं, तो छुट्टी रहती है इनकी भी, और मैं इनके रिएक्शंस मतलब कैप्चर कर रही थी। मम्मी पता है मैं कैसे चाह रही थी, पता है कल सपने में क्या हुआ मेरे, कि पापा ने गुस्से गुस्से में यू कर दिया, देखो तो यू सारे चला दिए, देखो तो मम्मी ऐसे कर दिया यू। आप बता कौन सा। पापा जी मम्मी अब मेरी, और ये मतलब छठ वाले दिन की वीडियो है जो मैं इसके साथ ही ऐड कर रही थी, तो थोड़ी सी है जो हमारे इधर से जो बिहार के लोग हैं वो छठ मना रहे थे, तो कुछ लोग थे जिन्होंने शायद मन्नत मांगी होगी परिक्रमा की, जो लेट के जाते हैं, पूरा रास्ता कवर करते हैं लेट लेट के, तो वो सब हम देख रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए आज के टाइम में भी सब कहते हैं ना भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए अपनी, तभी इंसान, देखिए हम नंगे पैर अगर रोड पे चलते हैं ना तो हमें एक एक कंकर भी चुभने लग जाते हैं, आज के टाइम में हम नंगे पैर भी नहीं चल सकते, हम बिना चप्पल के अगर ऐसे रोड पे चले तो कुछ ना कुछ कंकर चुभती रहती है, और हम आ ई ऊ आउच करते रहते हैं, बट यहाँ पे देखिए कि लेट के जा रहे हैं और इन्हें कुछ भी नहीं होता, तो यही इसी से साबित हो जाता है, क्योंकि जब हम मन में भगवान को बसा लेते हैं, मन में भगवान का जो पक्की श्रद्धा रख लेते हैं, तो हम चाहे कितने कठिन काम क्यों ना हो वो कर लेते हैं, और भगवान हमारे साथ रहता है और हमें कुछ भी नहीं होने देता। अब आप देखिए हर तरीके का रास्ता आता है, ये जहाँ तक जाएंगे ना हर तरीके का रास्ता है, आधा रास्ता तो बन रहा है, पक्का नहीं है, मतलब उधड़ चुका है, तो ये उस पर भी लेट के जाएंगे, तो देखिए इन्हें कुछ भी नहीं होगा, और अगर वैसे हमारा बच्चा ज़रा सा गिर जाता है, कुछ हो जाता है, हम इतना परेशान हो जाते हैं, तो वो ये श्रद्धा वाली बात होती है, और कुछ नहीं है, भगवान है और हमेशा रहेंगे, बस मन में अपना विश्वास बनाए रखिएगा, बस इतना ही मेरा मकसद था ये सब दिखाने का, और कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।